तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने महाकाल लोक के प्रथम चरण के लोकार्पण समारोह को ऐतिहासिक बताया। कहा कि ये हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है। दुनिया हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए आतुर है। कोरोना ने बहुत सारी चीजें साबित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे कहा है कि और हमेशा यही कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, दुनिया बचाने का समय है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में अल्प प्रवास पर पहुंचे हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। प्रहलाद जी, बंसल युद्ध में आपका स्वागत है। उज्जैन में बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है जिस पर प्रधानमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं, इस बारे में आप बताएं। वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। महाकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने ये काम शुरू किया। अच्छी बात सोने में सुहागा ये कि वहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री इसको लोकार्पित करने के लिए आ रहे हैं। ये पहला चरण है जो पूरा होगा, जिसका लोकार्पण होगा। हम यही अपेक्षा करेंगे कि चूंकि यहाँ कुंभ भरता है तो वहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, तो सिर्फ धार्मिक आस्था को मानने वाले नहीं, अगर कोई पर्यटक भी आए तो वो देखे कि हाँ ये व्यवस्था प्राचीन भी है और वर्तमान के परिवेश को पूरा भी करती है। मुझे लगता है ये बेहतर संयोग है। मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का दोनों का जैसे आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। पूरा प्रदेश शिवमय हो गया है, प्रधानमंत्री के आगमन की जोरदार तैयारी चल रही है, कैसा आपको लग रहा है? दुनिया हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन शैली को स्वीकार करने के लिए आतुर है। कोरोना ने कुछ बातें साबित कर दी, दुनिया शांति की तरफ जाए। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बयान दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये दुनिया को बचाने का समय है। ये सामर्थ्य हमारे नेतृत्व में है और ये ताकत अगर कहीं से आती है तो इसी शिव तत्व की ताकत है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देती। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो सनातन सत्य है कि हम सब शिवमय रहें, ये ज्यादा बेहतर होगा। एक राजनीतिक प्रश्न था, जहां पर भाजपा लगातार लोकसभा सीट हार रही है, अब भाजपा वहां फोकस कर रही है, कैसे जीतेंगे प्लानिंग कर रही है? रातामाटी में एक लंबी प्लानिंग आप लोगों ने की। भाजपा शुरू से ये प्लानिंग करती है, इसलिए हम दो से आज बहुमत की तरफ आए हैं। लेकिन भारत हमारी जो केंद्रीय पार्टी है, अमित भाई नड्डा जी के साथ ये योजना पहले से तय थी, लगातार इस पर काम होता था। मैं आज आपसे कहकर जा रहा हूँ 2024 में छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका मानना है कि छिंदवाड़ा में आने वाले लोकसभा में कमल खिलेगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।